आदित्य सर, आज यहाँ मौजूद ऑडियंस की आपसे खास रिक्वेस्ट है। मुझसे? जी सर। सर अगर आप हमारी पार्टी के लिए एक गाना गा लेंगे ना तो ये पार्टी यादगार हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि मेरी दोस्त झनक रैना जो कि शो की रनर अप है वो मेरा साथ दे। सब समझ गया हूं मैं झनक, आदित्य ने पूरी तरह से मेरी जगह ले ली है। ये गाना आपके लिए है सर जी, उस वक्त के लिए जो हमने साथ में जिया, उन यादों के लिए जो हमने साथ में बनाई। आदित्य सर, आप ये सॉन्ग किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को और स्पेशली मेरी फ्रेंड झनक रैना को। और झनक मैम, आप ये सॉन्ग किसे डेडिकेट करना चाहेंगी? उन्हें जो मुझे मुझसे ज्यादा समझते हैं। इतने कम समय में इतना कुछ? शेमलेस, देखा नहीं कैसे तुम्हें सुना सुना कर बोल रही है? और उस लड़की के लिए तुम हमसे लड़ रहे थे ना, देखा सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर रही है। वो अपने मन से किसी को गाना डेडिकेट कर रही है तो मैं बीच में कहां से आ गया? और अनी, तुमने इसके लिए मुझे आउट किया था। हाँ आशी, लेकिन अब मैं सब समझ गया, तो तुम बार बार वही टॉपिक क्यों उठा रही हो? मेरे काफी स्टूडेंट्स आए गए मेरे साथ रहे, लेकिन तुम जैसा अपनापन मुझे किसी के साथ नहीं लगा जाना। काश मैं तुमसे कह पाता कि अपने भाई के घर पे कुछ दिन और रुक जाओ, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। खूब आगे बढ़ो, तुम्हें दुनिया देखनी है अब। और हाँ जनक, मैं सिर्फ तुम्हारा गुरुजी नहीं, अब मुझे अपना बड़ा भाई समझो। जी गुरुजी, पता नहीं कभी जिंदगी में आपके किए हुए एहसानों की कीमत चुका पाऊंगी या नहीं, लेकिन जब से मुंबई आई ना, गुरुजी का आपका विश्वास ही था जो इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। यहाँ सबसे इतनी इज्जत मिली है मुझे, गुरुजी थैंक यू। खुश रहो, तुम खूब तरक्की करो, खाना खा लो अच्छे से, मैं मिलता हूं तुम्हें। What the hell झनक, देख के नहीं चल सकती तुम? सॉरी सर जी, गलती से। हाँ गलती होगी ना, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें सिर्फ आदित्य कपूर को देखती हैं। ये क्या किया तुमने? क्या किया ये? सर जी मैं आ रही थी, मैंने आपको देखा नहीं। यही तो प्रॉब्लम है ना, मैं तुम्हें दिखा क्यों नहीं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।